नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कुछ कॉमरेटिव कॉइन्स की जानकारी दें, उनका वैल्यूज़ के बारे में दिखाएंगे, उन कॉइन्स का आपको कॉइन्स दिखाएंगे। तो मेरे पास ये आप ये फाइल देख सकते हैं, मैंने मेरा PDF फाइल है, उसको मैंने प्रिंट निकाल दिया था। तो इसमें जितने भी कॉमरेटिव कॉइन्स बने हैं, उस कॉइन्स सब कॉइन्स की इसमें जानकारी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिंट मार्क भी यहाँ बने हुए हैं, B for Bombay Mint, और बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क होता है, और C for Kolkata Mint। कलकत्ता का दोस्तों कोई मिंट मार्क नहीं होता है। H for Hyderabad Mint, हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है स्टार होता है, नोएडा। N for Noida Mint, नोएडा मिंट का डॉट होता है। तो ये मिंट मार्क होते हैं जो कॉइन्स पे छपे होते हैं, तो इसी से कॉइन की पहचान होती है कि कॉइन कौन से मिंट ने बनाए हुए हैं। तो ये कॉमरेटिव कॉइन्स की ये हमारे पास लिस्ट है, और इस पूरी लिस्ट है जितने भी कॉमरेटिव कॉइन्स बने थे सब हमने इसमें जानकारी दी हुई है, और कौन कौन से मिंट ने कॉइन को बनाया था, उसका क्या मार्केट वैल्यू है, वो भी सब कुछ बताया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी ये फाइल है, हमने PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी अगर आपको जो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिएगा। तो इस कॉइन फाइल से मेरे प्रिंट से हमें बहुत फ़ायदा होता है, कि होता है क्या है कि हमें पता चलता है कि कौन कौन सा गवर्नमेंट ने कॉइन बनाया हुआ है, कौन कौन से मिंट ने कॉइन को बनाया था, और आपको प्राइस का भी जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारे पास ये कॉइन, इसका वैल्यू बताइए। तो सॉरी दोस्तों, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबके कॉइन्स का आपको वैल्यू बता पाऊंगा। तो हमने इसलिए PDF फाइल तैयार करवाई है ये, तो जिससे आप ये बाय करके आप अपने कॉइन्स का वैल्यू आप खुद जान सकते हो। और दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारे लोग फेक वीडियोज़ बनाते हैं, कॉइन करेंसी की लाखों करोड़ों पर बताते हैं, और पब्लिक से ठगी करते हैं। उससे भी आप अवेयर हो पाओगे, अलर्ट हो पाओगे, उनसे उन लोगों से भी आप बच पाओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको पता है आपके कॉइन का वैल्यू 100 है, 50 है, 15 रुपीज़ है, तो अगर आपको एक कोई उसकी 1 लाख रुपए डिमांड करता है, तो समझ लेना वो फ्रॉड है, आपसे वो पैसे लेने की तैयारी कर रहा है। तो उन लोगों से आपको बचना है। तो दोस्तों, आपको कुछ कॉइन्स भी दिखाऊंगा, और इस प्रिंट की हेल्प से मैं हम उसका प्राइस जानने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास ये 50 पैसे का कॉइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहरू जी का फोटो बना हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो हमें पता चल गया 50 पैसे का कॉइन जवाहरलाल नेहरू का। तो हम 50 पैसे की लिस्ट में जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 पैसे की लिस्ट में जो जवाहरलाल नेहरू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश मेडल का निकल है, वेट भी 5 ग्राम है, और जो साइज़ है वो 24 mm है। इंग्लिश और हिंदी में ये कॉइन बने थे लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज वाला ये कॉइन है। तो इस कॉइन 1964 में बना था, उस कॉइन को बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट ने बनाया था, और उस कॉइन का जो वैल्यू है 25 रुपीज़ है। तो दोस्तों, मैं देखूंगा ये कॉइन कौन सी मिंट ने बनाया था। तो मुझे यहाँ पे कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा है, तो इस कॉइन को कलकत्ता मिंट ने बनाया था। तो मैं इस कॉइन को यहाँ से, अगर आप कलेक्टर है तो मैं इस कॉइन को टिक कर लूँगा, मेरा कलकत्ता मिंट का है तो मुझे बॉम्बे मिंट का चाहिए। जब बॉम्बे मिंट का भी आ जाएगा तो मेरा ये जवाहरलाल नेहरू का जो कलेक्शन है कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉइन्स का वैल्यू का पता लगा सकते हैं, और कौन कौन से मिंट ने वो कॉइन बनाया था उसका भी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये 50 पैसे का कॉइन है इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी हम देखेंगे, ये कॉइन है इंदिरा गांधी का 1985 का। तो इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया था। इस कॉइन का जो वैल्यू है 15 रुपीज़ है। तो मैं चेक करूँगा इस कॉइन को कौन सी मिंट ने बनाया था। इस कॉइन को दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पे मिंट मार डायमंड है, तो बॉम्बे मिंट ने बनाया इस कॉइन को। तो इस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। मैं बी को टिक कर लूँगा, मुझे कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का कॉइन चाहिए, तो मेरी कलेक्शन, इस कॉइन की जो कलेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद उससे 50 पैसे का कॉइन है महात्मा गांधी वाला। तो महात्मा गांधी जी का 1969 में बना था, उस कॉइन को बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट ने बनाया था। उस कॉइन की जो वैल्यू है 25 रुपीज़ है। तो ईजिली हम अपने कॉइन्स का वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, और कौन कौन से मिंट ने कॉइन बनाया उसकी भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है ईजिली। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का कॉइन है जवाहरलाल नेहरू का, आप देख सकते हैं। तो मैं 1 रुपये की लिस्ट में जाता हूँ अपने। तो 1 रुपये का कॉइन जो है जवाहरलाल नेहरू का 1964 में बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 सही नंबर पे। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन की जो वैल्यू 75 रुपीज़ है। दोस्तों, कलेक्टर वाइज बता रहा हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का कॉइन है महात्मा गांधी का। तो ये कॉइन 1969 में बना था, और इस कॉइन को भी बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन की वैल्यू 75 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का कॉइन है मेरे पास।
तो इस कॉइन का जो है वो थीम है वो केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड वाला है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा ये कॉइन कहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ दी है केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये कॉइन 1990 में बना था और इस कॉइन को बॉम्बे में जो हैदराबाद मिंट ने बनाया था, उस कॉइन का जो वैल्यू है 15 रुपीज़ है। तो दोस्तों मुझे कितनी अच्छी जानकारी मिलते जा रही है, इस कॉइन कब बना था, कौन से मिंट ने बनाया था और वैल्यू है वो भी पता चल जाएगा। तो ये भी कॉइन है हमारा टूरिज्म ईयर वाला, तो टूरिज्म ईयर वाला जो कॉइन है वो यहाँ पे ये वाला आ गया। ये कॉइन 1991 में बना था, उस कॉइन को बॉम्बे मिंट हैदराबाद मिंट ने बनाया था, उस कॉइन का वैल्यू भी 15 रुपये है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का कॉइन है, इस कॉइन का जो थीम है वो है रेनफिएट फार्मिंग। तो रेनफिएट फार्मिंग वाला कॉइन ये है, ये कॉइन 1988 में बना था, इस कॉइन को बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट ने बनाया था और इस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। तो दोस्तों मेरे को इससे बहुत मज़ा आता है प्रिंट से, इजीली हम अपने कॉइन्स की जानकारी निकल जाती है, मिंट कौन सी मिंट ने बनाया, कौन कौन सी मिंट में मेरे पास नहीं है, तो उसका वैल्यू पता चल जाता है। तो ये पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाला कॉइन है, तो पार्लियामेंट्री वाला कॉइन जो है यहीं पे होना चाहिए। तो ये रहा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस वाला, तो इस कॉइन को बनाया था 1993 में और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट ने बनाया, इस कॉइन का जो वैल्यू 25 रुपीज़ है। तो पता चल गया ना मेरे को इस कॉइन को बॉम्बे मिंट ने ही बनाया था और किसी मिंट ने नहीं बनाया। तो ये 1 रुपये का कॉइन है राजीव गांधी वाला, तो यहाँ पे देख सकते 1 रुपये राजीव गांधी, इसकी जानकारी बताई हमने। ये इसकी कॉइन 1991 में बना था और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट हैदराबाद मिंट ने बनाया, उस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का कॉइन है जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों इस कॉइन की जो जानकारी यहाँ दी है, ये कॉइन 1989 में बना था, उस कॉइन को बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट हैदराबाद मिंट नोएडा मिंट ने बनाया था। उस कॉइन की जो वैल्यू है बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट की वो 15 रुपीज़ है और नोएडा मिंट है तो 75 रुपीज़ है। तो इस कॉइन को दोस्तों आई थिंक बनाया है बॉम्बे मिंट ने, तो इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है। उसके बाद ये वाला कॉइन आता है, तो दोस्तों ये भी 1 रुपये का कॉइन है। ये दोस्तों कॉइन है हमारा इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला। तो ये कॉइन दोस्तों बना है 1985 में, उस कॉइन को बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया है। तो बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट का वैल्यू 30 रुपीज़ है, अगर हैदराबाद मिंट का होता तो मैं लकी होता, उस कॉइन का वैल्यू 10,000 होता, बट ये नहीं है। बट इस कॉइन को कलकत्ता मिंट ने बनाया, मिंट मार्क नहीं नज़र आ रहा है मेरे को, तो इसकी वैल्यू 30 रुपीज़ है, हैदराबाद का होता तो मज़ा आ जाता। उसके बाद ये स्टेनलेस स्टील वाले कॉइन है, तो ये जो कॉइन है वो महाराणा प्रताप वाला कॉइन है, ये 1 रुपये का। तो इसकी जो लिस्ट आ गई अगले पेज पे हो गया ये। तो दोस्तों ये कॉइन बना था 2003 में और इस कॉइन को जो बनाया था बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है। दोस्तों ये भी 1 रुपये का कॉइन है, तो ये कॉइन जो है वो है हमारा संत ध्यानेश्वर वाला। तो संत ध्यानेश्वर आई थिंक ये प्रीवियस पेज पे है। तो ये तो आप देख सकते हैं कॉइन 1999 में बना था, इस कॉइन को बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया और इस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये कॉइन है हमारा 1 रुपये का दुर्गादास, ये वीर दुर्गादास वाला। तो वीर दुर्गादास वाला कॉइन ये आ गया। तो ये कॉइन 2003 में बना था और उस कॉइन को सिर्फ हैदराबाद मिंट ने बनाया, उसके कॉइन की वैल्यू 25 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का कॉइन है संत तिरुवलियर वाला, संत तिरुवलियर। तो ये कॉइन 1995 में बना था और इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया था, तो इस कॉइन का जो वैल्यू है वो 15 रुपीज़ है। तो मकसद दोस्तों ये है कि पीडीएफ फाइल का, यार हम इजीली अपने कॉइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि इजीली हमें नॉलेज हो जाएगी
कि कौन से कॉइन कौन सी मिंट ने बनाया है, कौन सी मिंट का नहीं है, तो इसलिए पता चल जाएगा। ऐसे कॉइन का डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पता नहीं चलता कौन सा कॉइन कौन सी मिंट ने बनाया कौन सी मिंट ने नहीं बनाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 रुपये का कॉइन है, ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला मेटल कॉपर निकल है। तो इस कॉइन का वेट 8 ग्राम है और इस कॉइन को दोस्तों 1982 में बना था ये, और इस कॉइन को सिर्फ बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन का वैल्यू 25 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा 2 रुपये का कॉइन है, ये है छत्रपति शिवाजी वाला। तो छत्रपति शिवाजी वाला कॉइन जो है हमारा, हम देखते हैं ढूंढते हैं, यहीं पे होना चाहिए। आई थिंक वो पीछे वाले पेज पे ही है, मिल गया, हमारी आंखों के सामने ही है। तो ये कॉइन 1999 में बना था, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया। उस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। तो मिंट मार के हिसाब से मुझे नोएडा मिंट लग रहा है, तो ये कॉइन 15 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 2 रुपये का कॉइन है, इस कॉइन का जो थीम है संत तुकाराम वाला। तो संत तुकाराम वाला कॉइन ये रहा, ये कॉइन 2000 में बना था। इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट में बनाया था। कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है, नोएडा मिंट का 30 रुपीज़ है। तो इस कॉइन का मिंट मार्क मुझे दोस्तों बॉम्बे मिंट लग रहा है, डायमंड मिंट मार नज़र आ रहा है। तो इस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये कॉइन हमारा है 150 ग्लोरियस ईयर्स वाला रेलवे। तो हम इस कॉइन के आगे इन्फॉर्मेशन दिए उस कॉइन की, तो इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है 150 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ रेलवे। तो दोस्तों इस कॉइन को बनाया 2003 में, और ये कॉइन बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया था। इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है और नोएडा मिंट का 30 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये भी 2 रुपये का कॉइन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये कॉइन यहाँ पे आ गया। ये कॉइन 2000 में बना था, कॉइन बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट ने बनाया था, और इस कॉइन का वैल्यू 15 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये भी 2 रुपये का कॉइन है, और ये कॉइन दोस्तों है हमारा देशबंधु चित्रा, ये क्या बोलते हैं इसको, देशबंधु, एक मिनट ठहरे आप, दो रुपये देशबंधु। कभी कभी चीज़ हमारे आंखों के सामने होती है बट नज़र नहीं आती है, तो ऐसा ही मेरे साथ अभी हो रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था ये मेरे आंखों के सामने ही था, देशबंधु चित्रन दास वाला कॉइन है। और ये कॉइन दोस्तों बना 1998 में, और इस कॉइन को दोस्तों बनाया है हमारा कलकत्ता मिंट ने, हैदराबाद मिंट ने, नोएडा मिंट ने। कलकत्ता मिंट और नोएडा मिंट का जो कॉइन का वैल्यू है वो है 20 रुपीज़, अगर हैदराबाद मिंट का होता तो वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, बट ये कॉइन नोएडा मिंट का है तो इस कॉइन का वैल्यू 20 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये 2 रुपये का कॉइन है, सुभाष चंद्रा बोस वाला, और ये कॉइन 1997 में बना, और इस कॉइन को दोस्तों बनाया बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट ने। और इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट की, और हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट की वैल्यू 30 रुपीज़ है। तो ये कॉइन आई थिंक नोएडा मिंट का, ये कलकत्ता मिंट का 15 रुपीज़ वैल्यू उसकी, क्योंकि इसका जो मिंट मार्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद ये 2 रुपये का ये भी कॉइन है, ये हमारा जो कॉइन है वो है स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ये वाला कॉइन है। कॉइन 1993 में बना था, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट ने बनाया था। इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीज़ है।
उसके बाद दोस्तों ये भी 2 रुपए का कॉइन है, ये कॉइन श्री ओरोबिंदो वाला कॉइन है, ओरोबिंदो वाला ये कॉइन 1998 में बना था। तो इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट कलकत्ता मिंट नोएडा मिंट में बनाया था, इस कॉइन की वैल्यू 15 रुपीस है। तो इसी तरह से दोस्तों अपने कॉइन्स की वैल्यू का हमें आइडिया हो जाता है कौन कौन से मिंट ने कॉइन बनाया। तो कलेक्टर्स के लिए फाइल बहुत ही अच्छी और बढ़िया है कलेक्शन करने के लिए, और उनको पता चल जाएगा हमें कौन सा कॉइन किस रेट में कलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं 5 रुपये के कॉइन की तरफ। तो ये 5 रुपये का कॉइन है, और ये कॉइन जो है ये भगवान महावीर वाला कॉइन है। तो यहाँ पे हमने पक्का हमें ढूंढना पड़ेगा भगवान, महावीर। तो आप भी ढूंढिए, हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो ये देख सकते हैं भगवान महावीर वाला, तो ये कॉइन 2001 में बना था, और इस कॉइन को बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट में बनाया था। उस कॉइन की जो वैल्यू है वो 25 रुपीस है यहाँ पे। उसके बाद ये भी 5 रुपये का कॉइन है, के कमराज वाला, तो आप देख सकते हैं। तो ये कॉइन 2004 में बना था, और इस कॉइन को दोस्तों बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट में बनाया। तो इस कॉइन का जो वैल्यू है वो भी 25 रुपीस है। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है वाला, ये है 150 एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये कॉइन यहाँ पे आ गए, कॉइन 1995 में बना था, इस कॉइन को बॉम्बे में हैदराबाद में नोएडा में बनाया था। तो इस कॉइन का वैल्यू भी 25 रुपीस है। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है वाला, तो ये 5 रुपये का कॉइन है संत तिरुवल्लुवर वाला कॉइन है। तो ये कॉइन हमारा ये रहा, ये कॉइन 1995 में बना था, उस कॉइन को बॉम्बे इंटो नोएडा मेंट ने बनाया, उस कॉइन का वैल्यू 50 रुपीस है। तो दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है लाल बहादुर शास्त्री वाला, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉइन है मेरी कलेक्शन में, इससे ब्यूटीफुल कॉइन मेरी अभी तक कलेक्शन में नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कॉइन है, बिल्कुल ही UNC कंडीशन में आप देख सकते हो, और इस कॉइन में एरर भी है। तो जो एरर है वो इसकी एज के अंदर है, तो आप देख सकते हो एज बिल्कुल ही प्लेन है, तो इसमें ये एरर है, साथ में UNC प्लस एरर है। तो बहुत ही बढ़िया कॉइन है मेरी कलेक्शन में, इससे बढ़िया अभी तक कॉइन कलेक्शन में मेरी नहीं आया। तो देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री वाला कॉइन है, इस कॉइन का जो वैल्यू है 25 रुपीज़ है, उस कॉइन को बनाया था 2004 में कलकत्ता मिंट ने, तो इस कॉइन का वैल्यू 25 रुपये है। बट दोस्तों इसमें एरर है, तो ये कॉइन मैंने कॉस्टली ख़रीदा था, उसका वैल्यू हम अभी नहीं बता रहे आपको, टाइम आने पे बता देंगे। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का कॉइन है, तो ये जो कॉइन है वो है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर वाला। तो ये जो कॉइन है फूड एंड एग्रीकल्चर वाला हम देखते हैं, ये रहा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉइन 1995 में बना था, इस कॉइन को बॉम्बे में हैदराबाद में नोएडा में बनाया, और इस कॉइन का वैल्यू 25 रुपीस है। उसके बाद दोस्तों ये भी ये लाल बहादुर शास्त्री वाला कॉइन है, स्टेनलेस स्टील वाला कॉइन है। तो ये कॉइन यहाँ पर आया था स्टेनलेस स्टील वाला 2004 का, और इस कॉइन को कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट ने बनाया, इस कॉइन का वैल्यू भी 20 रुपीस है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा 5 रुपये का कॉइन है, श्री नारायण फुरवरी श्री नारायण गुरुदेव, तो ये कॉइन यहाँ पे आ गया। तो ये कॉइन दोस्तों श्री नारायण गुरुदेव वाला, ये स्टेनलेस स्टील वाला, ये कॉइन 2006 में बना, और इस कॉइन को कलकत्ता मिंट में बनाया, इस कॉइन का वैल्यू 10 रुपीस है। तो दोस्तों आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा है मुझे वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, तो आपको मैं रिजनेबल प्राइस पे ये PDF फाइल बता दूंगा, तो कलेक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छी है आपके लिए, तो इससे आप इजीली कलेक्शन कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा खुश रहे और कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।